है। सर्वप्रथम हम तुलसी महारानी को जल दे करके ओम गोविंदा वल्लभा देवी भक्ति चैतन्य कारिणी स्नापयामि जगद्धात्री कृष्ण भक्ति प्रदायनी इस मंत्र से उनको जल प्रदान करें। ये इसमें से पानी आने वाला है और ये कार्य यहाँ के मत कांपू मत थिर हिलो मत झरोके देव हम भेजे श्री कृष्ण ने दो तुलसी दल देव। तो श्री राधा रानी की कृपा से और नंदलाला की कृपा से ये वृंदा कुंड पे कार्य शुरू हो गया। प्रभु जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दर्शन में। तो श्री राधा रानी की कृपा से और नंद के लाला की कृपा से आज हम नंदगांव में वृंदा देवी कुंड जो आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुंड की सफाई का जो प्रोसेस है वो इस तरह से है कि कैसे पहले ये इसका जॉइंट होगा और ये इसमें लगेगा, ये पाइप दोनों जॉइंट होकर इस कुंड के अंदर जाएंगे और आप देख सकते हैं कुंड में गहरा इसकी सफाई कराना बहुत जरूरी था ताकि ये सुंदरता बनी रहे इसकी। और इस सफाई के लिए आप देख सकते हैं कितनी घास है। जब ये पानी यहाँ से निकल जाएगा ना एक बार, तो पानी निकलने के बाद 4-5 दिन जब ये धूप में सूखेगा उसके बाद इसकी अंदर जाके मजदूर लोग सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद जब इसमें पुनः जल भरा जाएगा तो इसकी सुंदरता बड़ी मनोहर होगी, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की सफाई, एक कुंड तो ये है आपने देखा है और एक कुंड इसके सामने है, आइए आपको उसको भी दिखाते हैं। कुछ भक्त लोग भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो दोनों कुंड की सफाई होनी है, तो एक कुंड में तो अभी पानी निकलेगा और दूसरे कुंड का पानी साफ है लेकिन उसकी ऊपर से सफाई होगी। अब एक कुंड ये भी है आप जो देख रहे हो, इसकी भी सफाई होनी है और एक कुंड सामने। तो ब्रज दर्पण परिवार ब्रज की सेवा और ब्रज के दर्शन ये सबके लिए बाध्य है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कार्य में समय भी लगेगा और समय के साथ धन भी लगेगा। और मैं आपको बताऊं कि दोनों कुंडों की सफाई हो जाने के बाद जब इसमें पुनः जल भरा जाएगा तब इसकी खूबसूरती देखना कितनी अच्छी होती है। और ये सब कार्य ठाकुर जी की कृपा से और उन्हीं की प्रेरणा से ये हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो सफाई करा रहे हैं वो दोनों कुंडों की सफाई करा रहे हैं, उस कुंड का कार्य थोड़ा ज़्यादा है और इस कुंड का कार्य इतना ही है कि इसी पानी का जो कूड़ा है वो साफ होना है। तो इस कार्य में अगर कोई भी सहयोग देना चाहता है, अगर ये कृपा आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये कार्य चलता रहेगा, लगभग काफ़ी दिनों का कार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस सफाई का चालू है, जैसे चालू होगा उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। बहुत बढ़िया। ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं, पाइपलाइन से ये पानी जाएगा सीधा वहाँ, इसकी सफाई हो जाएगी। जब ये पूरा पानी निकल जाएगा इस कुंड का तब ये सूखेगा 4-5 दिन और सूखने के बाद फिर इसकी होगी सफाई और फिर पुनः इसमें जल भरा जाएगा, तब भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं ये कार्य बिल्कुल शुरू हो चुका है इस कुंड की सफाई का, वृंदा कुंड का। पानी आने वाला है और ये कार्य यहाँ शुरू होने वाला है। चलन नहीं आए तो आइए आपको फिर हम वृंदा देवी के दर्शन कराते हैं। और वृंदा देवी मंदिर प्रांगण में हैं हम और ये आप महारानी के दर्शन कीजिए। ये हमारे ब्रजमंडल की सिरमौर है। जैसे कि आप दर्शन कर रहे हैं वृंदा देवी, वृंदा यानी तुलसी महारानी, तो हमारे साथ में हमारे पुजारी जी है, आप सब जानते हैं इनको। तो प्रभु जी तुलसी महारानी की पूजा कैसे करें? देखिए तुलसी महारानी की पूजा करने के अनेकों प्रकार हैं, अनेक ग्रंथों में अनेकों प्रकार की उनके पूजा पद्धति का वर्णन है। यद्यपि ब्रह्म वैवर्त पुराण पद्म पुराण आदि ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। तुलसी को यदि हम वृक्ष के रूप में पूजते हैं, आपके सब हिंदू अंग में के प्रत्येक घर में तुलसी महारानी विराजमान होती है,
तो तुलसी के जैसे आप अभी दर्शन कर रहे हैं, ये तो उनका निवास स्थल है, लेकिन यहाँ तो बहुत बृहद पद्धति से उनकी पूजा होती है। लेकिन आप घरों में, आपका प्रश्न है कि घरों में तुलसी की पूजा हम कैसे करें, तो तुलसी को एक विशेष मंच पर विराजमान करना चाहिए। तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, तुलसी हमारे घर में परम वैष्णवी है। सर्वप्रथम हम तुलसी महारानी को जल दे करके ओम गोविंदा वल्लवा देवी भक्ति चैतन्य कारिणी स्नापयामी जगद्धात्री कृष्ण भक्ति प्रदायनी, इस मंत्र से उनको जल प्रदान करें। जल प्रदान करने के बाद में उनकी तीन प्रदक्षिणा होती है, तुलसी महारानी की तीन प्रदक्षिणाएं होती हैं। और उन प्रदक्षिणा करने के बाद में, यानी परिक्रमा करने के बाद में उनको दंडवत प्रणाम करें और प्रार्थना करके कि उनको प्रार्थना करें कि चयन करना है हमें आपको, तो तीन ताली ऐसे बजाया जाए, तीन ताली बजा करके अपने अंगुष्ठ से और ये जो उंगली है इससे, कनिष्ठिका से जो ऊपर वाली उंगली है, अनामिका जो है, उससे आप लोग तुलसी को चयन करें। और उसको चयन करने का जो मंत्र है कि तुलसी अमृत जन्मासी सदा तुम केशव प्रिय चुनौमी तुम केशवस्यार्थे वरदा भवशोभने, इस मंत्र से तुलसी चयन करें। और यदि भक्तों को ये मंत्र बोलने का अभ्यास नहीं है या इस मंत्र को नहीं बोल सकते, तो एक इसकी ही सरल पद्धति है, इस मंत्र का ही हिंदी रूपांतर है कि मत कांपो मत थिर हिलो मत झरोके देव हम भेजे श्री कृष्ण ने दो तुलसी दल देव, इस मंत्र का ही ये अभिप्राय, इस मंत्र का ही इसका हिंदी रूपांतर है। मैं इधर वृंदाकुंड में श्रीमद् भागवत कथा कर रहा था, साप्ताहिक कथा मैं करता हूँ भागवत की, तो उस समय कुछ ब्रजांगनाएं ब्रजगोपी कथा सुन रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि लाला तू तो संस्कृत पढ़ो भयो है, तो तू तो संस्कृत में तुलसी चयन कर लेगो बोल के मंत्र, लेकिन हम तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तो क्या हम तुलसी चयन नहीं कर सकते? बोले आप कैसे करती थी? तो उन्होंने मुझे बताया कि लाला हम तो केवल इतना कह देती थी कि चलो दादी जी आपको दादा ने बुलाया है। मैंने कहा आपकी भावना जो उत्कृष्ट है, इस मंत्र से भी कहीं सर्वोपरि आपकी भावना है। इस मंत्र में भी वही लिखा है कि आपको भगवान के लिए हम चयन कर रहे हैं और आपकी भावना भी यही है कि श्री ठाकुर जी ने आपको बुलाया है, ठीक है? तो तुलसी के हम दलों को चयन करें, तुलसी का पत्ता नहीं होता, तुलसी दल उनको बोलते हैं या पत्र आप कह सकते हैं। और तुलसी को तोड़ना नहीं कहते, तुलसी को चयन करना हम लोग बोलते हैं, तुलसी चयन करना है। तो आप तुलसी को चयन करके श्री ठाकुर जी के चरण कमल तक उनको पहुंचाना है, क्योंकि क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हमारे हमने करोड़ों का मंदिर बना दिया, लाखों की हमने पोशाक उनको धारण करा दी, लेकिन यदि भगवान के चरण कमल में हम तुलसी आरोगन नहीं कराते हैं तो भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से तुलसी में कभी भी दीप दान करके उनके गमले में तुलसी को स्थापित, ये दीपक को स्थापित न करें, क्योंकि तुलसी आप दो चार लोग यदि सम्मिलित होकर के आप तुलसी आरती करते हैं और दीपक को आप तुलसी के गमले में यदि विराजमान करते हैं तो उसकी जो लौ है वो तुलसी को जलाएगी। आप कर रहे हैं पुण्य के लिए और अपराध आपसे हो जाता है। तो इन बातों का, और अगरबत्ती कभी भी तुलसी के गमले में न पिरोगे, क्योंकि तुलसी महारानी की जो कोमल जड़ें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अपने क्लाइमेट के अनुसार जैसी जलवायु है आपके घर में, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि अनेकों मुंबई आदि शहरों में समान जलवायु होती है, समान धूप होती है, तो जैसे ब्रज में, संभवतः ब्रज में अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो प्रत्येक दिन आप तुलसी को जल दे सकते हैं। जैसे सर्दी का समय है तो सर्दी के समय में एक दो दिन छोड़ के, कभी कभी क्या होता है मंदिरों में, अभी ये माता जी आई इन्होंने जल दे दिया, अभी आप लोग आए उन्होंने एक लोटा जल दे दिया, फिर एक तीसरा व्यक्ति आया उन्होंने एक लोटा जल दे दिया, यानी बृहद अवस्था में यदि हमने जल दे दिया, हम कर रहे हैं पूजा लेकिन अपराध हो गया, क्योंकि ज्यादा जल होने से तुलसी का पौधा है जो क्षतिग्रस्त, यानी तुलसी के पौधा को पौधा नहीं समझे, पौधा नहीं समझे, ये लोग वृक्ष समझ के रह जाते हैं। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय जानिए न ढोर, ऐसा ब्रजवासी कहते हैं, तुलसी को वृक्ष नहीं जानना चाहिए, गाय को ढोर नहीं जानना चाहिए, हैं? ये भगवान के चरण कमल की प्रियसी है। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि श्रुत फिर ज्ञान, ये गाय कौन है? श्रुति, वेद ही गाय मन के ब्रज में आई है। राधा कराब चित पल्लव वल्लरी के, ऐसा एक स्तुति है राधा रानी की, तो उसका अभिप्राय क्या है कि राधा कराब चित पल्लव वल्लरी के, ये जितने भी वृक्ष हैं ना, ये श्री राधा रानी के स्वयं हाथों के द्वारा बनाए हुए, ये किशोरी जी इनका सिंचन करती हैं, ये साधारण वृक्ष नहीं है ब्रज में। तुलसी तो फिर अलग बात है, तुलसी तो
सुप्रीम हो गई। लेकिन ये जो जो आप वृक्ष ब्रज में देखते हैं, ये स्वयं श्री किशोरी राधा रानी के माध्यम से सिंचित है, उनके द्वारा रक्षित है। इस मंत्र का यही तो अभिप्राय है, राधा कराब चित पल्लव वल्लरी के, एक एक वल्लरी, एक एक बेल, एक एक पुष्प, एक एक फूल, एक एक फल श्री किशोरी राधा रानी के माध्यम से सिंचित है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर बताया। तो एक ब्रजवासी ही हमें तुलसी की महिमा बता सके हैं। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो श्री राधा रानी की कृपा से और नंदलाला की कृपा से ये वृंदा कुंड पे कार्य शुरू हो गया। प्रभु जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी इसका सफाई करेंगे गुप्त कुंड की, जिसमें घास आ गई है उन सबको अच्छी तरह से निकालेंगे, पानी निकाल करके और वृंदा कुंड में डाल रहे हैं। फिर उसकी सफाई हो जाएगी अच्छी तरह से, लेबर से या जैसे भी संभव होगा तो निकाल कर। प्रभु जी जैसे ये कार्य संपन्न होता है सफाई होने के बाद, फिर आप कोई और चीज देखते हो वृंदा कुंड में करने की सेवा क्या? हाँ बहुत सेवाएं हैं, उनको समय आने दो, सब कुछ एक मंदिर की सेवा है, जी की सफाई सेवा है, मंदिर की सेवा की सेवा है, भोपराज आदि की सेवाएं हैं, वो सब सेवाएं बहुत प्रकार भोग वगैरह सेवा, गौशाला की सेवा है, गौशाला भी है, जो भी जैसा भी भक्त लोगों का भाव रहेगा। आनंद बहुत आ रहा है मन को। और ये देखिए ये उस कुंड की सफाई शुरू, और ये लगभग चलेगा अभी तो दो दिन है, ये चलेगा अभी प्रोसेस। तो ये सब कार्य जब संपन्न हो जाएगा, जब पुनः उसमें साफ पानी भरा जाएगा, तब हम आपको बताएंगे इसके बारे में। जैसे कि आपने जाना और देखा कि दोनों कुंडों की सफाई प्रॉपर हो रही है, और इसमें भी और उधर जो आप देख रहे हैं उधर भी। तो इन दोनों कुंडों की सफाई में आप जो भी कोई भी भक्त अगर सेवा देना चाहता है इसे वृंदा देवी मंदिर प्रांगण में, तो वो दे सकता है, और उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने भाव, अपने कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। तो श्री वृंदा देवी प्रांगण से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।